हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। वक्त है आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर नजर डालने का। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की। इसमें केंद्र सरकार का फोकस कंटेनमेंट जोन पर है। दुनिया में कोविड 19 मरीजों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 14 लाख के पार हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का बुधवार को 71 वर्षीय उम्र में निधन हो गया। पटेल 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे। बिहार विधानसभा में महागठबंधन की मोर्चाबंदी के बावजूद एनडीए के विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुने गए। राज्य में पहली बार स्पीकर की कुर्सी भाजपा को मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराएं, बिना मास्क निकलने वालों पर ड्रोन से नजर रखें। टाटा की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 14.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस आधार पर टाटा ने रिलायंस और HDFC ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी और गिरेगा पारा। कल से उत्तर भारत में शीतलहर के आसार। दिल्ली में आज हो सकती है बूंदाबांदी। केंद्र सरकार के कृषि कानून में संशोधन पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर भड़क गया। बुधवार को दिल्ली आ रहे किसानों को दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। बंगाल की खाड़ी से उठा निवार तूफान देर रात आंध्र प्रदेश और महाबलीपुरम तमिलनाडु से टकराया। यहां से गुजरते वक्त 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। महाराष्ट्र में BMC के खिलाफ दायर की गई कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकती है। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।